फरीदकोट जिले में जानलेवा कोरोना वायरस का एक मरीज मिला। बताया जा रहा है कि उक्त मरीज कोटकपुरा का रहने वाला है और वह कुछ दिन पहले ही कनाडा से चीन के रास्ते पंजाब आया था। तपा मंडी के नजदीकी गांव महता में एक नवविवाहिता का कत्ल होने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक उक्त महिला का 2 महीने पहले ही विवाह हुआ था। घटना का पता चलते ही जिला पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जाँच को शुरू किया। न्यूजीलैंड और भारत के बीच तीनों मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच कल यानी बुधवार को खेला जाएगा। वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा। उनके कप्तान केन विलियमसन चोट के चलते वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए। मनी माजरा में आज सुबह एक पति द्वारा बेहरामी से अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति ने सरिया मोड़ने वाली हुक से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच को शुरू किया। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी कैंपस में बीते दिन गोली लगने से 2 लोगों की मृत्यु होगी और 1 अन्य लोग घायल हुए। विश्वविद्यालय द्वारा मिली जानकारी से पता चला है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी कॉमर्स के परिसर में इस घटना को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक स्कूल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील के दौरान बन रही सब्जी के बर्तन में गिरने से 3 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। घटना के बाद जिला अधिकारी ने स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस के चलते हुए मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चीन की सरकार द्वारा ताजा आंकड़ों से पता चला है कि अभी तक कोरोना वायरस के चलते हुए 425 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं इससे संक्रमित 64 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर को दिल्ली के द्वारका में अपनी दूसरी रैली को संबोधित किया। बीते दिन मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हुए और प्रचार का आगाज करते हुए अपनी पहली रैली को किया था। लेह लद्दाख सियाचिन जैसे स्थानों पर तैनात भारतीय सैनिकों के जवानों को सुविधाओं पर कैग की नई रिपोर्ट सामने आई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जवानों को कपड़े ग्लासेस समेत कई चीजों के लिए तंगी का सामना करना पड़ता है। कैग की रिपोर्ट सामने आने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने कहा कि सेना के नाम पर वोट खूब बटोरेंगे पर जवानों की जरूरतों से मोदी सरकार मुंह मोड़ लेती है। कोलकाता के कुछ हॉस्टल में मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा करने और छात्रावास कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर बीते दिन कोलकाता की एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अनुराधा लोहरिया को पूरी रात कैंपस में कैद रहना पड़ा। हॉस्टल का हुलिया दुरुस्त करने की मांग को लेकर छात्राओं ने अपनी ही वीसी को अपने कमरे में कैद रखा। बंगाल में वीसी का घेराव करना कोई नई बात नहीं है।